इसको, लग रहा है, लग रहा है। नहीं लग रहा है, देखो देखो कितना रोए हैं अभी, इन्हें छुपाया मैंने, छुपाया है फ्रेंड्स। आ जाएगी, चिंता मत करो, मैं लड़के आ जाऊँ। आ जा यार, तुम इतनी देर में आई हो, रात के 12 बज गए। ओफो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? सो सुबह की चाय रेडी हो रही है, आयुषी जा रही हैं अपने टूर पे, सो हमारा दिल थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है, तो हमारी चाय रेडी हो रही है। आयुषी को चाय पिला दी थी ताकि नींद ना आए उसे, रास्ते में चाय नहीं पीती आयुषी, बट मैंने ज़बरदस्ती पिला दी थी। सुबह के बज रहे हैं 4:30, एक घंटे पहले उठाया था मैंने आयुषी को रेडी होने के लिए, और ये चाय हमारी रेडी हो रही है। आयुषी कुछ कह रही हैं, आयुषी को अच्छे से रेडी करा मैंने, उसके बाद उसे चाय दी। आयुषी, जब बच्चा बाहर जाता है ना, तो माँ बापों के मन में यही रहता है यार, ठीक से आए अपना बच्चा सही से, और निगाहें गेट पे ही रहती हैं जब तक बच्चा घर पे नहीं आ जाए। तो आयुषी काफ़ी टाइम बाद, मतलब जब बचपन से, अब जब ये 10 साल की हो गई हैं, तभी हमें काफ़ी मतलब छोड़ के जा रहे हैं मम्मी पापा को, उन वो भी सुस्त हो रहे थे, लेकिन क्या करें, बच्चों की खुशी है, इन्जॉय करना चाहिए, बच्चों को भी अपनी लाइफ जीनी चाहिए, स्कूल की लाइफ का मज़ा यार, हमें भी अपना टाइम याद आता है जब आयुषी को देखते हैं ये सब करता हुआ। तो आयुषी के पापा उन्हें छोड़ने जा रहे थे, मैं इस वजह से नहीं गई ताकि मुकुल की नींद ख़राब होती, इस वजह से मैं आयुषी को छोड़ने नहीं गई थी। और टाइशन भी समझ रहा था कि आयुषी दीदी कहीं जा रही हैं, और बस रात हो रही थी उस टाइम, क्योंकि अब सर्दी का मौसम आ गया है थोड़ा थोड़ा, तो टिया का भी मूड थोड़ा ऑफ हो रहा था, मतलब जा तो रही थी वो, उनने मुझे जब तक देखा जब तक मैं दिखती रही उसे, तो कार से नहीं स्कूटी से छोड़ने गए थे, ताकि कार निकालते फिर अंदर करने में काफ़ी दिक्कत होती है, दो जने जाते हैं तो हम स्कूटी का ही यूज़ करते हैं। आयशी हंस रही थी, लेकिन लास्ट तक इन्होंने मुझे बहुत दूर तक देखा था कि मम्मी दिख रही हैं, इसका मन तो नहीं था, लेकिन बच्चों को जब ये बस में बैठी थी तो उसके पापा बता रहे थे बहुत इंजॉय करा था इन्हें। फ्रेंड्स, आयशी गई, उसके जाने का बहुत ही मन तो नहीं था, उसे अकेले भेजने का भी बहुत छोटी है, कभी गई भी नहीं है मुझसे बिना पूछे, ना मुझसे दूर गई है इतना टाइम, अब जाएगी रात को आएगी 12-1 बज जाएंगे उसे आते आते, बस ध्यान उस पर ही रहता है मेरा, मेरे दोनों बच्चे या हस्बैंड कभी भी बाहर जाते हैं बस ऐसे लगता है जल्दी से घर आ जाए। मुकुल सो रहा है, टाइशन नीचे, सुल्तान ऊपर है, सब लोग बने रहना फ्रेंड्स। टाइशन सो रहा है और हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। संगीता हो गया काम? अच्छा, एक काम था जरा, टिया चली गई घर, सुना सुना लग रहा है रात को आएगी मेरी मैडम लड़ने, लड़ते लड़ाते आएगी वो। नींद आ रही है, सोए उठा दिया था ना आयुषी ने, अब सोऊंगी एक घंटा, उसकी सारी वीडियो फोटो सब आ रहे हैं ग्रुप में आयुषी के, अभी चाउमीन खा रही थी, परांठा खा रही थी, सब दिखा रहे हैं फ्रेंड्स उसके ग्रुप, मतलब उसकी जो मैडम है सब अपडेट दे रही हैं, बच्चे कहाँ तक पहुँच गए, क्या कर रहे हैं सब, मैं आपको ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी, कल के ब्लॉग में दिखेगा उसका, जितना भी टूर में जितना भी मतलब उसका अपडेट होएगा ग्रुप में, मैं आप सबके साथ शेयर। फ्रेंड्स, आयुषी फ़ोन नहीं उठा रही है, आयुषी की मैम भी नहीं उठा रही है, जो नंबर दे रही थी पता नहीं क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, उसका मेरा मन आयुषी पे ही अटका हुआ है, आज पूरा दिन मन नहीं कर रहा ब्लॉग बनाने का, तो मुकुल का ही मन नहीं लग रहा है, तो थोड़ा सा हम बाहर जा रहे हैं इसी टहलने, और आयुषी पापा आज घर पर ही हैं, सो दादी को लेके जा रहे हैं मुकुल की, और ब्लॉग को लास्ट तक देखना, ब्लॉग में कुछ कुछ सुनाए तो लाइक करना फ्रेंड्स, और बस हो गया आयुषी बहुत ज़्यादा ब्लॉग में भी कमी लगेगी आपको आयुषी, बट वो रात में मैं रात में उसके साथ ब्लॉग बनाऊँगी, तब आप लोगों के साथ मैं कर। तो यहाँ गौशाला आ गए थे, गौशाला में आके बहुत बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ चारा, हरा चारा ज़रूर खिलाना चाहिए, गौशाला में जब भी जाएँ आप हरा चारा ज़रूर खिलाना चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है गाय की सेवा करना। सो थोड़ी सी दूर था तो उससे पहले हमने ले लिया था हरा चारा जो होता है, गाय सब जा रही थी दूध देने, तो उनको निकाला जा रहा था, आधे थे अंदर आधी चली गई थी, तो उसके बाद हमने सब चारा वारा खिलाया। ये यहाँ के बच्चे हैं जो सेवा करते हैं गौशाला में, मम्मी जी बैठी हैं हमारी, मम्मी जी सामान लाई थी कुछ, क्योंकि कनागत चल रहे हैं तो खीर पूड़ी सब चीज़ लाए थे उन्हें खिलाने के लिए हम लोग, तो बस ये गुड़ है थोड़ा सा जो हमने गाय के लिए लाए थे घर से।
फ्रेंड्स, जब ये गाय पैदा हुई थी, जो बछड़ा है, इसकी माँ ख़त्म हो गई थी, तो ये निप्पल से पानी और दूध दोनों पीता है। और मुझे पता भी नहीं था ये यहाँ दूध पिलाया जाएगा, वरना मैं इसके लिए अलग से दूध लाती 2 लीटर। लेकिन मैंने पानी जब प्यार से पिलाया तो बहुत अच्छे से ऐसे पी रहा था जैसे बस बहुत प्यारा था। देखो, इसने सब ख़त्म भी कर दिया था और अच्छे से पी रहा था। मैंने इसके साथ बैठ के बहुत टाइम बिताया था और बहुत अच्छा लग रहा था इसके साथ बैठ के। मुकुल को ले आई थी मैं, मुकुल अपने बैठा था साइड से, वो मूंड का है अपना। अगर उसका दिल करता है तो वो करता है कोई काम, नहीं करता है तो नहीं करता है। तो बस यही सेवा है, करते जाइए, जो आपको अच्छा लगे वो करते जाइए। ये पास में रामलीला ग्राउंड है जहाँ पे मेला लग रहा था, और पहली नवरात्रि से यहाँ पे रामलीला स्टार्ट हो जाती है। तो स्टार्टिंग हो रही थी, काफ़ी शॉप लग रही थी। यहाँ मुकुल टॉयज ले रहा था अपने लिए, जो उसको पसंद था उसने ले लिया था। ज़्यादा कुछ नहीं लगा हुआ था क्योंकि एक दिन बाद नवरात्रि स्टार्ट हो रही थी, तो मेला भी लगना स्टार्ट हो गया था फ्रेंड्स। और यहाँ पे छोटे छोटे टॉयज भी थे, चूड़ियों की शॉप थी, 3-4 शॉप लग चुकी थी। और आयशी देख के बहुत ज़्यादा वो करेगी इस ब्लॉग को फ्रेंड्स। घंटी बजाई, इसके पापा सो रहे हैं। आ रही है चाय, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है, मतलब टिया के जाने के बाद कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। संगीता दी से भी लड़ती रहती है, अच्छा लग रहा है? किसी को अच्छा नहीं लग रहा, घर की रौनक गई है घूमने। मैंने अभी उसे कॉल करा, कह रही बाद में बात करती हूँ, मैं कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ और आइसक्रीम खा रही हूँ, घर पे आके बात करती हूँ। मैडम सामने देख रहे संगीता, देखो कितना बड़ा भगोना मिला संगीता को, एक कप चाय बनाने के लिए कितना बड़ा भगोना है। इतने बड़े भगोने में कौन चाय बनाता है? अदरक डाल लिया नहीं? चलो आयुषी को वापस से पूछ लो उनका मन कैसा लग रहा है आयुषी के बिना। ठीक है फ्रेंड, अभी किचन साफ होएगा, शाम के बर्तन पड़े हैं वो साफ होंगे, मैं करूँगी बर्तन साफ और किचन में मैं साफ करूँगी। संगीता दीदी चाय पियेंगी बैठ के आराम से। फिलहाल तो ये सब झूठ है, अपोजिट है। दिखा रही हूँ, रुको। आयुष पापा सो, तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हारी लड़की गई हुई है, मन लग रहा है? इधर बताओ सब्सक्राइबर को, लग रहा है? लग रहा है। नहीं लग रहा है, देखो देखो कितना रोए हैं, अभी इन्हें छुपाया मैंने, छुपाया है फ्रेंड्स। आ जाएगी, चिंता मत करो, मैं लड़के आ जाएगी। इन ये ना सुबह से सुस्त हो रहे हैं और ये शाम का खाना भी नहीं मंगा रहे। मुकुल कह रहा है बाहर का खाना, लेकिन आयुषी नहीं है तो इन्हें अच्छा ही नहीं लग रहा खाना मंगाना, कह रहे हैं घर पे ही बनाओ। ये ऑर्डर मिला है मुझे। मुकुल भाई क्या कर रहे हो, कैसा लग रहा है? टिया दीदी नहीं है तो अच्छा, ये कैसा रिएक्शन है? अच्छा, दीदी गई है और तुम्हें अच्छा लग रहा है घर में? घर की रौनक बाहर गई हुई है, देख लो। और कई बार पूछ चुका है, टिया से बात करा दो, टिया कहाँ गई, दीदी कहाँ गई? और ये देखो, ये पैसे लाया है नकली, और ये नकली नोट गिनना है, देखिए। सो मैंने शाम की पूजा कर ली है, पीछे देखिए हमारे भगवान जी हैं, दिख रहे हैं आपको? शाम का दिया लगा दिया है मैंने। आयुषी निकल गई है नोएडा से, वो पहुँचेंगी 11-12 बजे करीब पहुँचेंगी। जब तक वो नहीं आएगी इस ब्लॉग का एंड नहीं करूँगी मैं, वो खुद गुड नाइट बोलेगी आप सबको, तब इस ब्लॉग का एंड करूँगी फ्रेंड्स में। तो अब मैं बहुत काम करने जा रही हूँ घर में, साफ सफाई और चेंज करने जा रही हूँ। मैं गई थी गौशाला, आपने देखा ये वीडियो, उसमें क्लिप डाली है मैंने, काफ़ी बहुत अच्छा लगता है ऐसी जगह में जाना। तो आज मैं चली गई थी, मम्मी देगा ही नहीं निकाल दिया है। टाइशन और सुल्तान में दोनों में लड़ाई हो रही है हड्डी के पीछे, देखो 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 देखो, बहुत ऊपर नहीं खेले थे, नीचे आके शैतानी कर रहे हैं दोनों। सुल्तान आ गया, आइसक्रीम किने दिला दी भाई? नमस्ते करना नहीं आता है? नमस्ते यार, तुम इतनी देर में आई हो, रात के 12 बज गए। ओफो नखरे, 11:30 ओफो नखरे, नहीं खाए? थैंक यू, तुम मेरे लिए आइसक्रीम ला लो। ड्रेस वहाँ गिरा दी, बाय बोल दो अब गाइस को। पिंक कलर का
चलो गाइस मैं आ गई, बाय गाइस, बाय बाय, गुड नाइट। वो दे रहे थे फिर मैं गई, बहुत ऊंचा था इसलिए मैं गई नहीं। और बताओ क्या क्या एक्टिविटीज करी? ट्रैम्पोलिन पार्क में गए थे, बच्चों वाला खिलौना था, स्लाइड थी ना वही वाला निकू वाला, हाँ स्लाइड पे से ना फिसलते हुए आए थे हम, हाँ छोटी छोटी बॉल्स में गिरे। अच्छा सारी मुकुल को मत बताओ, मुकुल जेलस हो रहा है। हाँ आयशी चलो थक गई, क्या खाया डिनर में हमने अभी? चावल पास्ता। चावल के साथ पास्ता कौन खाता है? नहीं चावल के साथ, चावल तो वैसे वाले थे फ्राई वाले चावल, तो वो तो मैंने ऐसे खा लिए थे। और रोटी के साथ पनीर, दाल भी थी मगर दाल मैं ली नहीं, उड़द की दाल, और रायता भी था, रायता मुझे सही नहीं लगा इसलिए मैंने लिया नहीं। और ना आइसक्रीम करने दी है? कौन सी? पापा ने लाई थी इस स्टॉप पे। मुकुल ने भी खाई है? और मम्मा की कहाँ है? ये जैकेट पहनता हुआ आया से उतार दी नीचे। मुकुल मम्मा की कहाँ है? आज हम भी गए थे घूमने, घूमने गए थे अम्मा के साथ। कहाँ पे? चलो सो जाओ, गुड नाइट, बहुत टाइम हो गया। अरे कहीं नहीं गए थे, घर में ही थे। चलो ठीक है, बाय।